हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहिनी और आपका स्वागत है मेरे किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं किचन के कुछ ऐसे अमेजिंग टिप्स जिसे आपके किचन के काम को तो आसान बना ही देगा, साथ में आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखेगा। तो फिर बिना देर किए आगे बढ़ते हैं अपनी पहली टिप्स के साथ। तो फ्रेंड्स, हम किचन में कुछ इस तरह से ढक्कनदार डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा किचन पूरी तरह से हाइजीनिक रहे, स्मेल फ्री रहे और साथ ही डस्टबिन गंदा ना हो। इसके लिए हम गार्बेज बैग का भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम डस्टबिन को डेली तो साफ कर नहीं सकते, ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है। पर क्या आपने सोचा है कि किचन में पड़ा हुआ कचरा बंद होने की वजह से काफ़ी तेज़ी से सड़न पैदा करता है, जिसकी वजह से हम जब भी डस्टबिन को इस्तेमाल करते हैं तो वो बैक्टीरिया हमारे किचन में बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे किचन में कॉकरोच, मक्खी, मच्छर आदि कई तरह की चीज़ें पनपने लगती हैं और हमारे किचन को दूषित करती हैं। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपको क्या करना है, आप 2 से 4 नेपथिन बाउल्स ले लें, इसे हम कपूर की गोलियाँ भी कहते हैं, और आप जब भी डस्टबिन का इस्तेमाल करें उसमें पन्नी को लगाएं तो उसके पहले आप 2 से 4 नेपथिन बाउल डाल दीजिए। अगर आप गार्बेज पन्नी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप 3 से 4 गोलियों को किसी जालीदार कपड़े में बांध के या किसी पन्नी बैग में बांध के आप ढक्कन के अंदर के नीचे के हिस्से साइड में टेप से चिपका दें। इससे होगा क्या कि जो डस्टबिन में उठने वाली बदबू है वो काफ़ी कंट्रोल में होगी और हमारे बैक्टीरिया को फैलने से रोकेगी। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर कर देते हैं और हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हो सके तो आप डस्टबिन को किचन के बाहर ही इस्तेमाल करें, इससे हमारा किचन हाइजीनिक तो रहेगा साथ ही बैक्टीरिया फ्री भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए और ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी बड़ी साबित होती हैं, तो हमें इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो आपको कैसी लगी ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स के साथ। ये टिप्स स्पेशल बिगनर्स के लिए है जो चावल तो बनाते हैं लेकिन उनसे चावल अच्छे नहीं बनते और खिले खिले नहीं बनते। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप प्रेशर कुकर में चावल को किस तरह से खिले खिले बना सकते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी के साथ, वो भी बहुत कम टाइम पर। तो चलिए, मैं यहाँ पर पतले चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप जिस बर्तन से चावल लें उसी बर्तन से आप चावल में 1.5 गुना पानी डालें, यानी कि 1 गिलास चावल के साथ आप 1.5 गिलास पानी डालें। और अगर आप मोटे चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 1.5 की जगह 2 गिलास पानी जाएगा। साथ में ही हम डालेंगे इसमें आधा नींबू का रस। तो नींबू का रस डालने से चावल स्टिकी नहीं बनते और बहुत ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास चावल के साथ 1.5 गिलास पानी लिया है। अब आप इसे 1 सीटी बिल्कुल धीमी आँच पर लगा लेनी है, इससे चावल बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे 1 सीटी लगाई है बिल्कुल धीमी आँच पर और चावल हमारे कितने परफेक्ट खिले खिले बने हुए हैं आप देख सकते हैं। बस इसी तरह से आप चावल को बनाएं, आपके चावल हमेशा अच्छे और खिले खिले बनेंगे। हम जब भी दाल बनाते हैं प्रेशर कुकर पूरी तरह से गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर धोने में काफ़ी परेशानी होती है। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप दाल को धो लीजिए, फिर बाकी के मसाले आप जो डालते हैं वो डाल लीजिए, फिर लास्ट में आप इसमें डालें 1 चम्मच देसी घी, इससे दाल का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और प्रेशर कुकर गंदा भी नहीं होता है। अब आपको क्या करना है, जो प्रेशर कुकर का ढक्कन है उसमें आपको थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करना है, बस इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। इससे होगा क्या कि जब भी आप प्रेशर कुकर में दाल या सब्जी जो भी रखते हैं और सीटी आने पर वो जो ढक्कन गंदा हो जाता है, इससे गंदा नहीं होगा। और इसे ऑयल लगाने के बाद हम ढक्कन के अंदर की साइड भी इसी तरह से ग्रीस कर लेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे हम 2 सीटी लगा के दाल को पका लेंगे, इससे हमारा ढक्कन भी नहीं गंदा होगा और बहुत कम टाइम पे दाल भी बन जाती है। तो बस इसी तरह से हम इसे ग्रीस करके लगा देंगे। और कभी गलती से भी अगर आप तेज़ आंच पे सीटी लगा लेते हैं और आपका ढक्कन गंदा हो जाता है तो ये धोने में बहुत आसानी से साफ हो जाता है। तो इस टिप्स को ज़रूर ट्राई करें। अब अगली टिप्स हमारी झाड़ू को लेके है। अगर आप फूल झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो आप जब भी फूल झाड़ू को लाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रेशे और काफ़ी भूसी निकलती है जो हमारे घर को गंदा कर देती है और साथ ही हमारी स्किन में भी काफ़ी इचिंग पैदा करती है। और ये इतनी हल्की होती है कि घर को कितनी जल्दी गंदा कर देती है और हमें पता ही नहीं चल पाता है। इससे हम तो परेशान होते हैं, साथ ही हमारे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं।
तो आज से आपको इसके लिए क्या करना है, आपको लेना है कोई एक गंदा सा कपड़ा जो आपके यूज करना हो, आप बस उसे ही ले लें और उसी के ऊपर आप झाड़ू को इस तरह से रख के कपड़े को फोल्ड कर दें। तो देखिए मैंने इसे इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, तो बस इसी तरह से हमें फोल्ड करके इसमें ऊपर से हम किसी भारी चीज से इसे कूटना है। तो मैं यहाँ पे अदरक कूटने वाला ले रही हूँ, बस इसी तरह से हमें इस तरह से हल्के हल्के से पुश करते जाना है जिससे इसकी भूसी निकल जाए, और हाथों से भी हमें रफली इस तरह से प्रेस करते जाना है जिससे इसकी सारी भूसी निकल जाए और हमारे घर में भी ना फैले। तो बस इसी तरह से हमें इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से प्रेस करना है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ी देर पे इसे किया और सारी भूसी इसकी निकल गई। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भूसी है इसमें, और यही भूसी हमारे घर को पूरा गंदा कर देती है। तो आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और इस कपड़े को आप धीमे से निकाल के साइड से हटा दें। अक्सर किचन में हम चीनी को बार बार इस्तेमाल करते हैं, इससे होता क्या है कि चीनी में नमी आ जाती है और चीनियाँ लगने लगती हैं। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपको डालना है 2 लौंग। तो लौंग डालने से चीनियाँ नहीं आती हैं, और साथ ही चीनी की नमी हटाने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप चीनी को स्टोर करें या डब्बे में डालें तो आप उसके पहले एक टिश्यू पेपर इसके नीचे के हिस्से में रखें, इसके बाद आप चीनी को भरें। इससे होगा क्या कि चीनी आपके मॉइस्चर नहीं आएगा और चीनी हमेशा ड्राई रहेगी। तो बस इसी तरह से आपको चीनी स्टोर करना है, इससे चीनी मॉइस्चर होने से भी बचेगी और साथ ही आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की किचन टिप्स, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मोनी किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।